मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदा जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र जैन प्रशासन श्री जैन सिद्धांत प्रवेश का जी विराजमान है, उसकी चर्चा चल रही है। जैन किसे कहते हैं, सिद्धांत किसे कहते हैं और प्रवेश का किसे कहते हैं, इतनी चर्चा हुई। और विश्व किसे कहते हैं ये चर्चा हुई। विश्व किसे कहते हैं, छह द्रव्यों के समूह को, छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, ये चर्चा अपनी हो गई है। एक क्या कहना चाहिए, आपका टेस्ट लेते हैं थोड़ी देर के लिए टेस्ट। भाई धर्म द्रव्य चलाता है और अधर्म द्रव्य रोकता है, बात सच्ची है ना? नहीं, चलने में निमित है, चलाता नहीं है। यदि धर्म द्रव्य चलावे और अधर्म द्रव्य रोके तो धर्म धर्म आकाश ये तो लोकव्यापी है, लोकव्यापी सब सर्वत्र है। जहाँ धर्म द्रव्य है वहीं अधर्म द्रव्य है। क्या कहा, जहाँ धर्म द्रव्य है वहीं अधर्म द्रव्य है। और यदि धर्म द्रव्य चलावे और अधर्म द्रव्य रोके तो झगड़ा हो जाएगा। झगड़ा समझते हो, एक राजा था, राजा एक राजा की दो रानी थी और एक रानी बोले कि बैठो और एक रानी बोले कि घूमने चलो तो एक रानी पकड़ करके बिठाती है उसको और एक रानी उसको खींच करके घूमने ले जाती है। क्या होगा, क्या होगा? झगड़ा तो ठीक है, अब होगा क्या, राजा का क्या होगा कि राजा का एक हाथ पकड़कर वो घूमने ले जावे और एक हाथ पकड़ के कहे कि यहीं बैठो तो क्या होगा, राजा का क्या होगा, रानियों का तो जो होगा सो ठीक ही है क्या नहीं है कुछ। ऐसे ही धर्म द्रव्य चलावे अधर्म द्रव्य रोके तो आत्मा का नाश हो जाएगा, पुद्गल का नाश हो जाएगा। लेकिन परिभाषा में क्या बात आई, स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गलों को स्वयं गमन करें तो धर्म द्रव्य निमित है, ये याद रखना। मैंने कोई धर्म द्रव्य चलाता नहीं है, चले तो मदद करते हैं और यदि रुके तो सड़क है, सड़क ये मोटर गाड़ी चलाती नहीं है लेकिन मोटर गाड़ी चलनी हो तो वो काम आ जाती है। इतनी बात समझ में आई ना, ये धर्म अधर्म द्रव की बात। इसमें छह द्रव्यों की चर्चा में बहुत जोरदार चर्चा ये हुई, उसका निष्कर्ष ये हुआ कि एक उंगली हिलाने में, ध्यान से सुनना, नई बात कहना है हमको, एक उंगली हिलने में जीव द्रव्य उपादान नहीं है। ये वस्तु उठाने में, ये लकड़ी उठाने में आत्मा उपादान नहीं है, समझना जरा। जैसे धर्म अधर्म का निमित्त है धर्म द्रव्य, ध्यान से सुनना सभी लोग, जैसे ये लकड़ी उठने में धर्म द्रव्य का निमित्त है, निमित्त उपादान नहीं है, ऐसे ही आत्मा इसे उठाने का उपादान नहीं है। अभी समझ जरा, उपादान नहीं, इसमें हमें कहना क्या है कि जैसे धर्म द्रव्य निमित्त है ऐसे ही तुम भी, भगवान आत्मा भी मात्र निमित्त है। फिर से सुनो, एक काम की बात है, आज दोपहर में चर्चा आई इसलिए मैं आपको उठाता हूँ ये बात, बहुत सुनने जैसी चर्चा है सभी लोगों के लिए। आज तक हमने, तुमने कोई चीज उठाई कि नहीं उठाई, पेन उठाया तुमने, कॉपी तो उठा रखी है ना नहीं उठाई कॉपी, उठा रखी, देखो बालक को लगता है लेकिन अभी पहली दूसरी कक्षा सुनी होगी हमारी, तीन प्रवचन हो गए ना, अब तो चौथा चलता है। ध्यान से सुनना, जीव उठाने वाला नहीं है, उपादान नहीं है। जैसे धर्म धर्म निमित्त है, आकाश निमित्त है जगह देने में, काल द्रव्य परिणमन में निमित्त है, ऐसे ही जीव का जानना मात्र निमित्त है। एई, फिर से सुनाओ, ये उठने में जीव का कर्तत्व निमित्त नहीं है। ए उठने में मैं उठाता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं रोटी बनाती हूँ, इसमें मिथ्यात्व निमित्त है।
मिथ्यात्व भी निमित्त नहीं है। ऐसे सुनना, मात्र जीव का समय सारजी में आया, समय सारजी में योग और उपयोग निमित्त है। निमित्त फिर से सुनाओ, जीव द्रव्य तो ये उठाता ही नहीं, आत्मा तो ये उठाता ही नहीं, लेकिन उठते समय जैसे धर्म द्रव्य निमित्त है, आकाश यानी जगह देना निमित्त है, ऐसे ही जीव उसे जान रहा है, इतना जानना निमित्त है। क्या कहा? क्या क्या निमित्त है? मात्र जानना, व्यवस्था करना नहीं। जीव इसका व्यवस्थापक नहीं है, ज्ञायक इसका व्यवस्थापक नहीं है, आत्मा इसका व्यवस्थापक नहीं है। मकान चलाने का, बच्चों को जन्म देने का, बच्चों को पालने का, दुनियादारी चलाने का, शरीर को मेंटेन करने का जीव व्यवस्थापक नहीं है। मात्र ज्ञान, मात्र जानना निमित्त है। अब देखो इसमें क्या कहना है हमें कि छह द्रव्यों की ड्यूटी हो गई। ड्यूटी ड्यूटी समझ गए? छह द्रव्यों की अपनी अपनी ड्यूटी। तो जीव की ड्यूटी क्या है? मात्र करना। पक्का? देखो एक नाम बहुत फेमस है, आप लोग जल्दी समझ जाओगे, इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं उसका। क्या नाम था? हर्षद मेहता। बहुत चतुर था ना? बहुत समझदार था ना? बहुत है। सारी दुनिया को ऐसे ऐसे करता था ना, उंगली पे नचाता था ना ऐसे। अब तुम्हारी भाषा में, हम तो मानते नहीं, लेकिन भाई जब तक पुण्य का उदय आता है तब तक व्यवस्था दिखाई देती है। पाप का उदय आते से होशियारी कहां चली जाती है, इंटेलिजेंसी कहां चली जाती है, बराबर। तो जीव का जानना मात्र निमित्त है, करना नहीं, व्यवस्था करना नहीं। इसकी इसका खुलासा बाद में बहुत आएगा, मेरे को तो अभी इस बात पर वजन देना है। हे जगत के समस्त जीवों, तुम मात्र जानते हो। बहुत सरल दृष्टांत देवे, हम आकाश में देख रहे हैं और एक बोइंग विमान निकला, बोइंग विमान हवाई जहाज है ना, एरोप्लेन बोइंग बड़ा वाला, जिसमें 550-700 लोग बैठे, इतना बड़ा। तो अपन पुण्यशाली हो गए ना, पुण्य का उदय आ गया ना अपना, नहीं आया? पुण्य का उदय आया कि नहीं? इतना बड़ा हवाई जहाज देखा और एक छोटा सा हेलीकॉप्टर निकला जिसमें मात्र दो आदमी बैठे हुए हैं, इतना छोटा सा। तो अपने को पाप का उदय आ गया ना? नहीं। बड़े कब हो गए हम? बड़े बड़े मोटापना कब हो गया? बोलो, नहीं हुआ? सुनो, ऐसे ही छह द्रव्यों का मेला लगा हुआ है। किसी के पास करोड़ रुपए के नोट हैं, किसी के पास मोटर गाड़ी बंगला है, किसी के पास पास और एक भिखारी है, एक गरीब है, एक लखपति हजारपति है, थोड़ा सा पैसा है। बोलो, करोड़पति में और हजारपति में क्या अंतर है? बोलो, ये क्या अंतर है? क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। देखो, एक इतनी बिल्डिंग को जानता है, इतने अकाउंट्स को जानता है, इतने नोटों को जानता है, इतनी बिल्डिंग सब को जानता है, और एक बेचारा थोड़ा जानता है। तो दोनों में करोड़पति कौन हो गया? बस यही मान्यता है, मिथ्या, इसलिए मैं इस पर चर्चा कर रहे हैं। करोड़पति कौन है दोनों में से? है ज्यादा पैसे वाला, ज्यादा पैसे वाला ज्यादा मिथ्या दृष्टि है। पैसे के कारण मिथ्या नहीं है, मात्र पैसे को जानता है और ये मानता है कि ये मैं, और ऐसे गरीब है वो थोड़ा देखता जानता है, संयोग में उसको लगता है कि मैं गरीब हूं। ऐसी गरीबी और अमीरी का अनुभव करने वाला दौलत राम जी ने क्या लिखा है छेड़ाला में? मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, रंक राव, राव माने राजा और रंक माने गरीब। मेरे ग्रह धन गोधन प्रभाव, मेरे सोततीय में सवल दीन, बेरूप शुभग मूरख प्रवीण। अब ज्यादा चर्चा नहीं करें। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको। तन का नाश हुआ तो आत्मा का नाश हुआ? नहीं हुआ। लेकिन इसको क्या लगता है? मैं दुबला हो गया, मैं मर गया, मेरे को बुखार आ गया। किसको बुखार आ गया? छह द्रव्य में से किसको बुखार आया? किसको बुखार आया? सुनो, ठंडा गर्म होना तो इसका स्वभाव है।
ठंडा गर्म होना तो पुद्गल का स्वभाव है, बुखार किसको आया? लेकिन ये जानता है, ये जानता है ना इसको, तो मैं सुंदर, मैं असुंदर, मेरा धन, मेरा घर, मेरा मकान, ये सब अब ये दौलत राम जी ने पूरा लिया, उसे हमने संक्षेप में कह दिया, मैं तो मात्र इन सबको जानने वाला हूं, करने वाला नहीं हूं। अब सुनो इससे क्या फायदा हो जाएगा कि छह द्रव्यों का मेला लगा हुआ है, पुण्य का उदय आता है, बहुत संपत्ति दिखाई देती है, अनुकूलता दिखाई देती है, लेकिन ज्ञानियों को तब भी भिन्न ज्ञान दिखाई देता है, इसलिए वो छह खंड की संपत्ति में मग्न नहीं होते हैं, प्रसन्न नहीं होते, ठीक है। और जब पाप का उदय आता है तो रामचंद्र जी को जंगल में निकाल दिया जाता है, एक मिनट पहले राज तिलक होने वाला था रामचंद्र जी को, और दूसरे मिनट में क्या हो गया, जंगल। तो क्या हुआ रामचंद्र जी को, क्या हुआ, रामचंद्र जी गरीब हो गए, हो गए नहीं हो गए, नहीं हो गए। कहने का मतलब क्या निकला, ज्ञानियों की दृष्टि तो मात्र ज्ञातापने को लेती है, क्यों, क्योंकि छह द्रव्य में तुम्हारी ड्यूटी, तुम्हारा निमित 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 मात्र जानना, जानने के सिवा और कुछ करना नहीं। एक अंतिम दृष्टांत देकर के अपन आगे बढ़ेंगे द्रव्य की परिभाषा में। यहां से सड़क पर देखो, सड़क पर अब तुमने देखना शुरू किया, इतने में दो कार टकरा गई, तो तुम कितने रिस्पॉन्सिबल हो इस कार टकराने में, तुम्हें कुछ लगता है कि हमने हमने टकराई है, बराबर। अभी सारी गाड़ियां बढ़िया चल रही हैं, तो तुमको क्या लगता है, वो तो मैं देख रहा था ना, क्यों, वो तो मैं देख रहा था ना, इसलिए एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, ठीक है। कि तुम्हारा देखना बिल्कुल एक्सीडेंट होने में और एक्सीडेंट नहीं होने में रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, इसमें कोई कठिन तो नहीं है, बराबर। अब ऐसे अपने अपने में लगा लेना, अपने घर परिवार में लगा लेना, पुण्य पाप के उदय आएंगे, शरीर होगा, रोग होगी, निरोगता होगी, लेकिन रोग होने की जिम्मेदारी आत्मा की नहीं। अभी अपन क्या करते हैं, शरीर में जरा कुछ हो जाए, वो मेरे से गलती हो गई, वो मैंने गलत खा लिया ना, वो गलत पी लिया ना, वो गलत काम कर लिया ना, डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं है। छह द्रव्यों का ऐसा ही प्रणमन होना है, तुम उसमें कुछ कर सकते हैं, बराबर। इससे बहुत फायदा होगा, लेकिन इसकी चर्चा आज नहीं खोल रहे हूं, इसमें फायदा जबरदस्त है। जो लोगों को ये लगता है कि मैं शरीर को मेंटेन करता हूं, मैं एक्सरसाइज करता हूं, और आजकल तो स्कूलों में अंडे खाओ और बॉर्नविटा खाओ और क्या क्या खाते हो, च्यवनप्राश, क्या वो कौन सा, वो कहते बुद्धि बढ़ाने वाला, ज्ञान बढ़ाने वाला, इंटेलिजेंसी बढ़ाने वाला चूरन खाओ। मेरे को बहुत इसमें क्या कहना है, बिल्कुल ये दिमाग में से निकाल देना बिल्कुल। आज तक एक भी डॉक्टर निरोगी हमने तो नहीं देखा, कौन की बात कर रहे हैं, डॉक्टर की, तुमने देखा एक आध डॉक्टर, जब डॉक्टर है पूरी बॉडी को जानता है, नस नस को जानता है, हड्डियों को जानता है, स्टोमक के फंक्शन को जानता है, क्या खाना नहीं खाना ये जानता है, और किसमें कैल्शियम है, किसमें आयरन है, किसमें विटामिन है, किसमें प्रोटीन है, सब जानता है, तो फिर एक आध डॉक्टर तो पूरा स्वस्थ है कि नहीं, बोलो बोलो, नहीं नहीं है ना। इससे मैं क्या कहना चाहता हूं, आजकल के नवयुवकों को, बच्चों को, बच्चियों को शरीर को मेंटेनेंस करने की इतनी इतनी टेंशन रहती है, इतनी ऐसे करो तो स्विमिंग करो तो ऐसे करो, मैं नहीं कहता हूं करो कि मत करो, घूमो कि मत घूमो और खाओ कि नहीं, लेकिन कम से कम निर्णय तो करो कि एक बे है जो ये कह रहे हैं ऐसा मेंटेन करो शरीर को, और तो भी मेंटेन नहीं हुआ, और एक ऐसा उपाय है कि हमें मेंटेन नहीं करना पड़ता और वो मेंटेन रहता है, देऊं दृष्टांत, देऊं, बिना उसके काम नहीं चलेगा। एक बात आप बताओ, इतनी दिसंबर जनवरी की ठंडी रातें हुआ करती हैं और मई जून की तेज गर्मी हुआ करती है, लेकिन आज भी दिगंबर मुनिराज जंगलों में सोते हैं, पर्वतों में सोते हैं, पहाड़ों क्या खेतों में सोते हैं, जमीन पर नग्न रहते हैं, 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं, एक बार ही भोजन पानी लेते हैं, दवाइयां नहीं लेते, ऑपरेशन नहीं कराते, आदि आदि, अब लगा लेना। क्या आपने सुना है किसी को ठंडी की लहर लग गई, शीत लग गई, शीत ठंडी ठंडी लग गई, किसी को ब्रेन हेमरेज सुना है, किसी को हार्ट अटैक सुना है, किसी को ब्रेन हेमरेज, लू लग गई किसी को, लू लू क्या बोलते हैं गर्मियों की लू,
सन स्ट्रोक लगा कि नहीं लगा? आप फैसला करो, बोलो। देखो वे तो एक्सरसाइज नहीं करते ना, और वे तो नहीं खाते तुम्हारे प्रोटीन और विटामिन और क्या क्या हो, तुम क्या क्या कह रहे हो, मेरा इतना कहने में सब समझ लेना। बच्चे इतना पाप कर रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूं बच्चों का और सिर में शैंपू लगा हुए, शैंपू काय से बने हैं, उसमें कितना क्या क्या डाले, वो किताब है आपके मार्केट में आ गई होगी किताब, वो शैंपू के कारण पहले कितने खरगोश मारे जाएं, कितने आपके बंदर मारे जाएं, इतना प्रैक्टिकल करने के बाद उनकी आंखों में भरा जाए, उनके पेट में डाल दिया जाए, फिर उनकी चीरा फाड़ी करके देखा जाए, वो शैंपू लिपस्टिक ये सब का है। सुनो 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 भाई, तुम इसे मेंटेन करके भी मेंटेन नहीं कर पाओगे, लेकिन छह द्रव्यों का स्वतंत्र निर्णय करने के बाद तुम्हें मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये मेंटेन रहेगा। और इसके बाद और सुनो कि अंत में फिर शरीर ही नहीं मिलेगा, फिर अनंत काल तक विकल्प ही नहीं, तकलीफ ही नहीं, गोरा है कि सुंदर है, काला है कैसा है, ये विकल्प नहीं होगा, तो फायदा हुआ ना। इसलिए छह द्रव्यों का स्वतंत्र परिणमन जानना ही एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। ये तो चर्चा अपनी छह द्रव्यों में से हुई। जीव का काम मात्र जाने ना, मालूम पढ़ो, पाठशाला पढ़ते हो नहीं, जाते हो? अच्छा, बालबोध एक है ना, बालबोध एक क्या लिखा है उसमें, शुद्धातम है, शाबाश, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अभी देखो तो इतनी बात तो हुई छह द्रव्यों की, थोड़ी सी और बताना थी वो, अभी आगे चलते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं, क्या बोला, किसे कहते हैं? गजब, बहुत बढ़िया। गुणों के समूह को क्या कहते हैं? बराबर। ए तुम कौन हो, छह द्रव्यों में से तुम कौन से द्रव्य हो? कौन सा जी? पक्का? और द्रव्य में क्या है? गुणों का समूह। तो जीव द्रव्य में क्या है? गुणों का समूह। फिर से, जीव द्रव्य में क्या है, तुम में क्या है? हाँ बोलो, डरते क्यों? तुम में गुणों का समूह है, और पापा में और मम्मी में गुणों का नहीं है। बच्चे कह रहे हैं मम्मी पापा में गुणों का समूह नहीं है। फिर से, छह द्रव्य हैं, छह द्रव्य में से प्रत्येक द्रव्य गुणों का समूह, दुर्गुण नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। जैसे गुण त्रिकाली हैं, ऐसे दुर्गुण नहीं है, इसकी सुबह चर्चा हुई अपनी। अच्छा, इतनी बात तो बराबर आई। तो अनंत गुणों का समूह प्रत्येक द्रव्य, अभी ये द्रव्य की परिभाषा हुई, प्रत्येक द्रव्य में कितने गुण? अनंत गुण, कोई में कम। एक बात बताओ, एक प्रधानमंत्री भारत के, मोरारजी देसाई, आजकल तो वो नाम बदल गया, क्या अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी बराबर, एक भारत के प्रधानमंत्री और एक श्रीलंका के प्रधानमंत्री। श्रीलंका का प्रधानमंत्री थोड़ा काला है और ठिगना भी है थोड़ा, और गरीब देश का है और छोटा सा देश है, कितना सा देश है बिल्कुल बराबर, और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी हमारे इतने बड़े हिंदुस्तान के हैं, देखने में भी रूपाणा है, सुंदर है बराबर, अभी पैसे वाला भी है, और इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री। अब ये दोनों प्रधानमंत्री यदि कॉन्फ्रेंस में मिले तो श्रीलंका का प्रधानमंत्री कहां बैठेगा, नीचे की ऊपर नहीं, पैरों में बैठेगा ना, आकर के पैरों में नहीं बैठेगा, वो इतने से देश का, इतना सा छोटा सा देश, और भारत इतना बड़ा देश नहीं, वो छोटा देश का हो कि बड़ा देश का हो, लेकिन दोनों प्रधानमंत्री हैं बराबर। सुनो, इसमें कौन बड़ा और कौन छोटा, कोई बड़े देश का हो कि छोटे देश का हो, इससे क्या फर्क पड़ता है बराबर। अभी दृष्टांत, अब दृष्टांत सुनो, चीटी, चीटी में जीव द्रव है, चीटी, चीटी समझते हो, चीटी, चीटी है ना, कीड़ी, और छोटी सी कीड़ी में छोटा सा देश है, छोटा सा, लेकिन जीव द्रव्य तो पूरा है ना, और हम इतने बड़े हिंदुस्तान के, ठीक है, तो हम में भी जीव द्रव्य पूरा है ना। अभी चीटी के जीव द्रव्य में और मेरे जीव द्रव्य में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं,
कोई अंतर नहीं, बराबर। अभी एक और ले लो थोड़ा, एक सिद्ध भगवान भी जीव द्रव्य है, सिद्धालय में विराजने वाले भी सिद्ध भगवान जीव द्रव्य हैं। कौन सा द्रव्य है, कितने गुण है उनमें, अनंत। तुम में कितने हैं, तो सिद्धों में और तुम में क्या अंतर है, क्या अंतर है, और सिद्धों में भी अनंत गुण, तुम में भी अनंत गुण और चीटी में भी अनंत गुण। ए अभी द्रव का बात चल रही हो, द्रव में अनंत गुण, ऐसा अनंत गुण देखने पर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री और श्रीलंका का प्रधानमंत्री में अंतर नहीं देखता, वो चरण नहीं छूता और हमारे प्रधानमंत्री उसे आशीर्वाद नहीं देते, वे हाथ मिलाते हैं। यदि टेबल होती ना टेबल, इसके पास पानी की बोतल है तो उसके पास भी पानी की बोतल है, इसके पास पेन है तो उसके पास भी पेन है, जितनी सामग्री इधर है अटल बिहारी के पास उतनी वहां है उसके पास, इसमें तो कोई शंका ही नहीं किसी को। मान के चलो कम हो तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री के लिए थोड़ी कम व्यवस्था दी जाए, कोई भी चीज की, कागज कम दे दिया जाए, पेपर बेट नहीं दिया जाए, पेन नहीं दिया जाए, तो वो सबसे पहले मालूम क्या करेगा, सबसे पहले वो अपना क्लेम मांगेगा, अधिकार। रुको, कॉन्फ्रेंस बाद में होगी, पहले बताओ कि तुमने मुझे क्या समझा है, तुम मुझे क्या समझते हो, तुमने जापान के प्रधानमंत्री को दिया, अमेरिका के प्रधानमंत्री को दिया, रूस के प्रधानमंत्री को दिया, हमें तुमने पेपर बेट क्यों नहीं दिया, हमें पानी का गिलास क्यों नहीं दिया। ये दृष्टांत समझ में आ रहा है, बराबर समझ में आ रहा है। सुनो, हम आपको भी अपना क्लेम मांगना चाहिए कि तुम सिद्धालय में विराजते हो अनंत गुणों के पिंड, और अनंत गुणों का पिंड मैं भी हूं, तो मैं सिद्धालय में क्यों नहीं विराजता, तुम में और मेरे में क्या अंतर है। एक पहले समझ की बात है, अनंत गुणों का पिंड खबर पड़े, निर्दोष भगवान आत्मा खबर पड़े, और फिर मैं चार गति में रुलता रहूं और आप सिद्धालय में विराजते रहो, ये तो हमें न्याय समझ में नहीं आता है। अब गलती किसकी है, गलती बता सकते हो, गलती कि तुम प्रभु होकर के भी अपने को बालक मानते हो, ये प्रभु होकर के भी अपने को स्त्री मानती हैं, इनके तो छोरा छोरी हो जावे, लड़का लड़की हो जावे, बस प्रसन्न था ही गया, मोक्ष हो गया बस, और तुम्हें थोड़ा लाख करोड़ अरब रुपया हो गया, एक दो चार फैक्ट्री हो गई, बस हूं मोटो थी गयो। रुको, तुम प्रभु हो भाई, प्रभु कौन हो तुम, प्रभु समझते हो, प्रभु जिनके अपन हाथ जोड़ते हैं, हाथ, ये बच्चों को जल्दी समझ में आएगी ये बात, जिनको हम भगवान समझते वो हो। फिर से, जीव द्रव्य चीटी के शरीर में रहता हो तो पूरे गुण हैं, सिद्धालय में रहता हो तो पूरे गुण हैं, बराबर है, बराबर। तो अभी देखो, एक चर्चा तो ये आ गई द्रव्य में से कि मैं प्रभु हूं, अनंत गुणों का स्वामी हूं, मेरे में एक भी दुर्गुण नहीं है, और आज ये मालूम पड़ा कि द्रव्य दृष्टि करते ही सम्यक दृष्टि इसका नाम है, द्रव दृष्टि इसलिए करने के लिए कहा, द्रव दृष्टि, द्रव बोलो ख्याल में, क्योंकि द्रव पने देखा जाए तो अनंत और सिद्ध भगवान और मेरे में कोई अंतर नहीं, बराबर। आगे चलो, यहां पर चीटी में भी, चीटी में तो कौन है, कौन द्रव्य है, जीव द्रव्य, कौन सा द्रव्य है, कौन सा बेटा, कौन सा, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य में गुण कितने, सिद्धों से कम, बराबर। लगता है आपको, लगता है आलू में अनंत जीव, लगता है एक एक जीव सिद्धों जैसा, एक एक जीव सिद्धों जैसा। देखो गुरुदेव श्री को लगता था, गुरुदेव श्री को लगता था कोई नीम का फूल भी उठावे नीमड़ा ना फूल तो प्रवचन रोक के ठपका देते थे, ओ बालक को रोको, उसे नहीं मालूम कि इस नीम के एक फूल में असंख्यात भावी सिद्ध हैं, तेरे भूतकाल के माता पिता हैं, आज वे नीम के फूल में हैं। इतनी करुणा गुरुदेव को, गुरुदेव को विरोधी विरोधी नहीं दिखते थे, विरोधी खूब अखबार में निकाल दिया, छापा में उल्टा सीधा, बॉम्बे में भी है ना, गुरुदेव की जब हीरक जयंती थी खूब निकाला, लेकिन गुरुदेव के भूलेला भगवान छे,
भूलेला, क्यों कौन है? है तो भगवान, है तो भगवान, परंतु भूल गए हैं। अपने को तो भगवान तरीके आदर करना, अपने को विरोध नहीं करना। ए गुरुदेव श्री को लाए हम बीच में, क्या कहना चाहते हैं? इसीलिए गुरुदेव श्री को रात्रि में पानी पीना गमता नहीं था, स्वयं को नहीं दूसरों को भी। भरी सभा में बोला, भरी सभा में रात्रि में पानी पीवे वो समय सार जी सांभड़वा लायक न थी। क्या कहा, क्या कहा? वो समय सार जी सुनने का पात्र नहीं है, है? रात्रि में भोजन करे, अरे भाई गुरुदेव ने बहुत बोला है। अब मैं अभी अभी ज्यादा नहीं लेता हूं, जब गुरुदेव श्री के प्रसंग सुनाऊंगा ना तब लूंगा इनको विस्तार से। अभी तो ये कहना है, इसीलिए गुरुदेव श्री को इतनी करुणा आती थी उन जीवों पर। कोई भी जीव को बेरी तरीके नहीं देखते थे, विरोधी नहीं देखते थे, शत्रु नहीं देखते थे। क्या दिखते थे? भूला हुआ भगवान। अभी मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। आपको आज हमने टैंक टैंक टंकी होते हैं, क्या बोलते हैं आप, सिंटेक्स की टंकी ऊपर छत पर लटका देते हैं और उसमें से डायरेक्ट पानी आ रहा है और डायरेक्ट गीजर में गर्म हो रहा है, सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं? बहुत अच्छा, आपने कह दिया, ये अच्छा रहा। नहीं, अभी सोचने की बात है। आपको ये मालूम पड़ जाए, आपको यह जीव भविष्य में भगवान बनने वाला है, अगले भाव में ये जो बालक बैठे हैं ना, एक दो भाव में भगवान बनने वाले हैं। क्या करोगे इनके साथ, क्या व्यवहार करोगे? आपकी दुकान पर एक ग्राहक आया और आप उसे ठगते थे, लेकिन इतने में ही भगवान की वाणी खिरी, कोई देव आकर के बताए, कोई मुनिराज आपको आकर बताएं कि यह जीव जो ग्राहक है ये अगले भाव में मोक्ष जाने वाला है। अब क्या करोगे आप, सच सच बताओ, क्या करोगे, क्या करोगे? ठगोगे? ए द्रव की परिभाषा में से चार अनियोग निकल रहे हैं। यदि आप प्रत्येक जीव को जीव द्रव देखो, अनंत गुणों का पिंड देखो, सिद्धों जैसा देखो, भविष्य का सिद्ध बनता हुआ देखो, यदि इतना सा देख लो तो सम्यक दर्शन हो जाए, इतना सा देख लो तो चार अनियोग हो गए। अब तुम्हें सताने का भाव नहीं आएगा, अब ठगने का भाव नहीं आएगा। समझ आया कुछ? एक चीटी भगवान बनेगी तुमसे पहले। गुरुदेव कहते थे तुमसे पहले अनंत जीव भगवान बन जावे, हम उन्हें कल हाथ जोड़कर प्रणाम करें और आज मैं उन पर पैर रख दूं, चीटी पर पैर, क्या एक मच्छर काटने आ जाए, हे भगवान बड़े परेशान हैं। क्या मारते ना, मारते मच्छर, मारना चाहिए, नहीं मारते? नहीं, अच्छा, ये जैनियों का संस्कार तो ऐसे ही होना चाहिए, समझ आया? लेकिन ये तो ठीक है, अभी थोड़ा अंदर चलते, थोड़ा अंदर अंदर चले। आम खाया है? आम, आम खाया है? आम केरी, केरी खाइए, पक्की केरी, क्या बोलते हो, आम, हापुस आम। अभी देखो, अभी समझ नहीं, क्या कहना, ध्यान से सुनना, कैसे खाते हो कि पहले उसको यूं पकड़ लिया धोने के बाद और फिर ऐसे ऐसे नरम कर लिया उसको, नरम कैसे कर लिया, दबा दबा करके नरम, और फिर चूस लिया, ऐसे खाना चाहिए ना। लेकिन तुम्हें मालूम है बंद के अंदर दबाओगे तो इल्ली का भी जूस बन जाएगा, इल्ली समझते हो क्या? उसमें जो दो इंद्रिय जीव है, लठ है, इल्ली है, जो भी आप क्या बोलते हो, उसे आपने दबाया तो जीव का क्या होगा, छोटे छोटे का उसका जूस बन जाएगा और मैंगो जूस में मिक्स हो जाएगा और फिर अपन खा जाएंगे। ए सुनो, इसीलिए जैनों की संस्कृति यह है कि फलों को खोले बिना मत खाओ, देखकर खाओ, शोध कर खाओ, क्या उसमें एक भी भावी सिद्ध हुआ और तुम्हारे मुंह में चला गया। एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया चरणानियोग का। ए इसीलिए जैनी तो पानी भी छान कर इस्तेमाल करें कि हम भावी सिद्धों को कैसे उबालें, भावी सिद्धों को कैसे पिए और भावी सिद्धों को सोच के कार्य में कैसे लेवे लेटरिन बाथरूम में। आपको मालूम पड़ जाए तो कर सकते हो क्या? तब तो मालूम पड़ गया है आपको कि पानी की एक एक बूंद में भविष्य के अनंत सिद्ध हैं। एक पूरा चरणानियोग आ गया, पूरा चरणानियोग।
मैं कहता हूं अब घर घर में प्रेम हो सकता है, घर घर में हो नहीं सकता है, होगा ही। अभी क्या कहें, एक स्त्री अपने को स्त्री देखती है, पति को पति देखती है, देवर को देवर देखती है। लेकिन यदि आज ये द्रव की परिभाषा सुन ली हो कि मैं भी जीव द्रव्य, पति में भी जीव द्रव्य और मेरे देवर में भी जीव द्रव्य, सासू में भी जीव द्रव्य, नौकर में भी जीव द्रव्य, ग्राहक में जीव द्रव्य, सभी में अनंत वर्ण बराबर की कम ज्यादा बराबर। अभी सास पहले मोक्ष में जाएगी कि बहू मोक्ष में पहले कौन जाएगी, सीनियरिटी किसकी है मोक्ष में, सीनियरिटी किसकी है? एक ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया बात कहना मेरे को। दोनों में से कोई भी पहले मोक्ष जा सके तो सास को भी बहू को देखकर भावी सिद्ध दिखाई दे, बहू को भी ससुर को सास को देख करके भावी सिद्ध दिखाई दे, तो अब उनके साथ भेदभाव का व्यवहार, द्वेत का व्यवहार, द्वेष का व्यवहार, मायाचारी का व्यवहार हो सकता है। पति को ज्यादा घी देवे, देवर को कम घी देवे। जहां तक ऐसी मायाचारी होवे हम सम्यक दर्शन के लायक नहीं हैं, क्योंकि हमें जिस द्रव की दृष्टि करना चाहते हैं, ध्यान से सुनना, एक अच्छी बात याद आ गई, आजकल लोग मेडिटेशन के बल पर सम्यक दर्शन लेना चाहते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान के बल पर सम्यक दर्शन लेना चाहते हैं, लेकिन जैन दर्शन में ध्यान के बल पर सम्यक दर्शन नहीं होता। द्रव की परिभाषा जानने के बाद द्रव दृष्टि होने पर सम्यक दर्शन होता है। हम कैसे करना चाहते हैं सम्यक दर्शन, बस एक निर्विकल्प प्रतीति हो जाए, बस विकल्प रोक दूं, एक कंसेंट्रेशन कर दूं, बस इससे सम्यक दर्शन नहीं होगा। अरे रे, यहां तो ये कहते हैं जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही, बराबर। अब आप देख लो, अपनी अपनी द्रव दृष्टि चेक कर लेना, अभी नहीं द्रव दृष्टि चेक कर लेना, सभी आपको भगवान आत्मा दिखते हैं कि नहीं? यदि भगवान आत्मा दिखें, भावी सिद्ध दिखें, तो आपको कभी भी दुराभाव नहीं हो सकता। मैं अपनी बात बताऊं, मुझे बहुत याद आती है, जब मैं गुरुदेव श्री के प्रवचन सुनने गया सोनगढ़, तो वहां मैंने पहली बार ये बात सुनी, पहली बार, कि प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है, प्रत्येक द्रव्य में, और प्रत्येक जीव, घोड़ा भी घोड़ा में जीव और जीव में अनंत गुण, भगवान आत्मा, घोड़ा भी भगवान आत्मा, ऐसे ऐसे मैंने वहां सुना। तो मैं अपनी अपनी प्रतीति बता रहा हूं, मेरे क्या विचार चले। सुनना ध्यान से, घोड़ा भी जीव भगवान आत्मा और मैं भी भगवान आत्मा। तो मैंने कहा मेरी यदि शादी होगी तो एक भगवान दूसरे भगवान के ऊपर कैसे बैठेगा, ये छोटी उम्र थी मेरी। एक भगवान और दूसरे भगवान के ऊपर कैसे बैठेगा, ये छोटी उम्र की बात बता रहा हूं आपको। कहने का मतलब क्या निकलता है, इसीलिए जैन शासन में क्या कहें, एक केंद्रीय से लगा करके सभी जीवों पर प्रेम भाव, करुणा करुणा, मैत्री वात्सल्य, क्या कहें बताओ। इसलिए पानी छानने का काम से लेकर के आलू नहीं खाना, अनंत भावी सिद्ध हैं। रात में नहीं खाना, एक भी मच्छर की टांग मुंह में आ गई तो स्वाद बढ़िया आएगा ना, क्या। क्या कहें हम, प्रत्यक्ष में एक मच्छर नहीं चबा सकते, एक चीटी नहीं पकड़ के चबा सकते, लेकिन रात्रि भोजन करें तो क्या होता होगा, वे जीव द्रव्य है कि नहीं, वे तुम्हारे भूतकाल के माता पिता हैं कि नहीं, माता पिता को चबा सकते हो, नहीं चबा सकते। ये गुरुदेव की करुणा, अब इसे पूरा चरणानी होगा गया, पूरा मायाचारी नहीं करना, नौकर पहले मोक्ष में जा सकता है, एक जानवर जानवर मोक्ष में जा सकता है, बलद भैंस गाय तुमसे पहले मोक्ष में जा सकते हैं, क्या मतलब, उन पर अति भारारोपण मत करो। ये अभी जिन्होंने मोक्ष शास्त्र पढ़ा हुआ उन्हें मालूम होगा, अति भारारोपण, ओवर ओवरलोड, नौकर की जितनी ताकत हो उतना काम कराओ, ओवरलोड नहीं करो, भगवान है ये तो कर्म के उदय की मजबूरी है कि वो एक भगवान तुम्हारे घर में नौकर बन के आया है, ये तो कर्म के उदय की मजबूरी है कि एक भगवान तुम्हारे घर में बालक बन के आया है। जैन परिवार किसे कहते हैं, परिभाषा, जैन परिवार किसे कहते हैं, सुनोगे सुनोगे, जिसके परिवार में भावी सिद्ध पल्ला करते हैं। क्या कहा, ए क्या कहा,
एक पिता अपने पुत्र को भावी सिद्ध तरीके देखे, अब उसे ये लगेगा कि मेरे बालक के संस्कार अच्छे होने चाहिए, ये गंदे कामों में नहीं जाना चाहिए, हमारा बच्चा भगवान बनना चाहिए, हैं? अब क्या कहें, बराबर मायाचारी हो सकती है, ठगने का पाप हो सकता है। अच्छा एक बात सुनो, अब आप एक बात कह सकते हो पंडित जी, यदि हमें मालूम पड़ जाए कि ये भगवान बनेगा तो हम नहीं करेंगे, लेकिन हमें क्या मालूम कि हमारा नौकर भगवान बनेगा, ये ग्राहक भगवान बनेगा, ये देवर भगवान बनेगा, इसलिए तो हमें ठग नहीं चाहिए ना, इसलिए तो बुरा व्यवहार करना ही चाहिए ना। सुनो तुम्हें मालूम नहीं इतना ही फर्क है कि सही में वो भगवान नहीं बनेंगे भविष्य में। हम आप में से कौन ऐसा है जो भविष्य के भगवान नहीं है, बराबर, इसलिए मालूम नहीं है इतनी बात है। लेकिन आज तक अनंतों जीव हमारे साथ रहते थे और आज भगवान बन चुके हैं, नहीं रहते थे? एक दिन हमारा आपका भी नंबर है, एक दूसरे से उतना ही आदर करो जैसे भावी सिद्धों का आदर कर सकते हैं। ये थोड़ा कहा बहुत समझना, अभी एक बात और कहना है थोड़ी सी, इसको एग्जाम्पल से सिद्ध करना। थोड़ा सिद्धालय में एक जीव करोड़ों बरस पहले मोक्ष में गए, सिद्ध बने, और एक जीव आज मोक्ष में गए, बराबर। पहले तीर्थंकर का नाम क्या है, हैं? बोलो जोर से बोलो, ऋषभ देव, बराबर। अभी 24वें नंबर पे कौन हुआ, शाबाश, क्या नाम हुआ, महावीर भगवान, बराबर। अब मैं आपसे पूछता हूं, महावीर भगवान जूनियर हैं कि सीनियर हैं? जूनियर सीनियर समझते हैं, सीनियर कौन है दोनों में से? अरे कैसी बातें कर रहे हो, जो पहले मोक्ष में गए वो सीनियर है ना? ए ध्यान से सुनना, मुझे बहुत अच्छी बात कहना है। आदिनाथ भगवान सीनियर है ना, तो महावीर भगवान सबसे पहले वहां जाकर के जितने पुराने होंगे पहले के उन सबको सैल्यूट करते होंगे, नहीं? और फिर भी आशीर्वाद देते होंगे कि ठीक है बैठो, नहीं? फिर सभी सिद्ध मिलकर के जो जूनियर सिद्ध होते होंगे वे एक मीटिंग बुलाते होंगे कि आदिनाथ भगवान बहुत पहले आए हैं तो इनका सम्मान समारोह किया जाए, नहीं? नहीं होता होगा। इसमें एक मार्मिक बात कहना है, हमारा प्रश्न है कि ऐसा क्यों नहीं होता है, आखिर ये समय की जूनियरिटी और सीनियरिटी सिद्धों में क्यों नहीं होती है? अनादिकाल से तो हम भी हैं और वे भी हैं, ये बात नहीं है। जहां अनंत गुणों की बराबरी हो गई वहां कोई जूनियर सीनियर नहीं है, ये कहना है। आदिनाथ भगवान पहले आए, महावीर भगवान बाद में आए, लेकिन दोनों में बराबरी है सुख की, अनंत चतुष्टय की, ज्ञान की, दर्शन की, चारित्र की, इसलिए दोनों में बराबरी होने से कोई जूनियरिटी और सीनियरिटी नहीं। समझ तो गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूं, लेकिन हम मिथ्या दृष्टियों में जूनियरिटी सीनियरिटी चलती है, मैं गरीब तुम अमीर, ये बड़ा ये छोटा, आज हमने इसीलिए कहा क्यों, सबसे पहले मोक्ष में कौन जाएगा, बेटा की पापा, कौन मोक्ष में कौन जाएगा पहले, पापा की बेटा कोई भी जा सकता है ना, इससे तो बहुत फायदा हुआ। अब तुम्हें पहले जाना है कि बाद में जाना है, मोक्ष में कब जाना है, भगवान कब बनना है, पहले कि बाद में? अरे बोलो ना, ये है बात। सुनाओ, जहां सिद्धों में बराबरी हो गई वहां मान कसाय नहीं है, और हम आप हैं अनंत गुणों के पिंड, बराबर बराबर अनंत अनंत गुण, एक में भी कम ज्यादा नहीं। ऐसा होने पर भी अपने अनंत गुण की खबर नहीं होने से मुझे ऐसा लगता है कि मैं बड़ा हूं, और इसने जय जिनन क्यों नहीं बोला, इसने मेरे पैर क्यों नहीं छुए, और इसने मेरे को बहुत अच्छा प्रणाम किया है, और इसने मुझे बहुत, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये मिथ्यास का चमत्कार है। किसका चमत्कार है? अब मिथ्यात का चमत्कार रखना है कि खत्म करना है? रखना ही खत्म करना है, पक्का? अच्छा अभी देखो, खत्म करना हो तो एक सीधा उपाय है, आप एक बार ईमानदारी से विचार करो कि जिसके साथ मैं गलत व्यवहार करने जा रहा हूं वो अनंत गुणों का पिंड है, मेरे से पहले मोक्ष में चला जाए तो मैं उसके साथ दुर्व्यवहार कैसे करूं? अब दुर्व्यवहार में सब आ गया, पैरों तले कैसे रौंदूं जीवों को, बिना देखे कैसे खाऊं, और बिना छना पानी कैसे पीऊं,
मुझे भावी स्थिति दिखाई दे तो क्या होगा। एक एक भाई ने हमसे पूछा कि हमारा आचरण नहीं सुधर रहा है। क्या कहा? हमारा आचरण नहीं सुधर रहा है, आप हमें आचरण सुधरवाओ। मैंने बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल, एक लाइन में पूरा आचरण सुधर जाए इतना अच्छा है। तुम द्रव की परिभाषा पढ़ लो बस, यदि द्रव की परिभाषा समझ में आ गई तो सारे पाप छूट जाएंगे। और नहीं तो एक काम करना, सभी लोगों को छूट देता हूं एक, आज सभी लोग घर जाना और अपनी अपनी कॉपी डायरी उठाना और उसमें एक वाक्य लिखना। क्या वाक्य लिखोगे? कि मैं अपने छोटे भाई से झगड़ा करता हूं। ये बच्चों के लिए कह रहा हूं, भाभी देवर के प्रति लिख ले, मेरे को देवर बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत खाता है ऐसे, लेकिन है तो भाभी सिद्ध है, तो मेरे से पहले मोक्ष में जाने वाला, लेकिन अब क्या करूं, जाने दो मोक्ष में, लेकिन मैं तो सताऊंगी। लिख लेना, पहले लिख लेना, तुम सेठ लोग नौकर के लिए लिख लेना, ग्राहक के लिए लिख लेना, और तुम कान के लिए लिखोगे ये डायरी में लिखना। क्या लिखोगे? कि भले ही ये भगवान बने मेरे से पहले, लेकिन आज तो मेरा मौका है, इसलिए मैं तो सताऊंगा, गाली दूंगा, लड़ाई झगड़ा करूंगा, ऐसे करूंगा। क्यों? करोगे नहीं करोगे? एक काम करना, मैं भावी सिद्ध हूं, अगले भाव से मेरा मोक्ष होने वाला है, सभी लोगों के लिए कह रहा हूं, अगले भाव से मेरा मोक्ष होने वाला है, ऐसा एक मिनट विचार करके, और अब तुम चाट पकौड़ी की दुकान पर, चाट पकौड़ी क्या बोलते हो, आलू की चाट, अब खाओ, अब खाओ, पहले देखो कि अगले भाव में मैं मुनि होऊंगा, मेरे कर्म कटेंगे, मेरा समावसरण लगेगा, मैं भगवान बनूंगा, परंतु अभी तो मुझे आलू की चाट खानी है। खा सकते हो? नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। बस एक काम करो, द्रव की परिभाषा पढ़ लो, इस आलू में अनंत भगवान हैं, जिनकी मैं पूजा करता हूं। गुरुदेव श्री का मंगलाचरण सुना है? गुरुदेव श्री का मंगलाचरण, नमो लोए सब त्रिकालवर्ती सिद्धानम, त्रिकालवर्ती अरहंतानम, त्रिकालवर्ती आयर्याणम, त्रिकालवर्ती, त्रिकालवर्ती माने, अभी नहीं समझ में आया आपको, मैं समझाता हूं। ए कौन का नाम ले हूं? हसमुख भाई, गुरुदेव तुमको प्रणाम करते थे क्या? कह रहे हो पंडित जी, गुरुदेव हमको प्रणाम करते थे कि हम गुरुदेव को प्रणाम करते थे? समझ गए भावे, समझ में आया कुछ? तुम आगे बैठे करो। क्या कहा, क्या कहा? गुरुदेव श्री तुमको प्रणाम करते थे। अरे गलत कह रहा हूं क्या मैं? क्या कह रहे पंडित जी, गुरुदेव श्री जैसे हमको प्रणाम करते थे? कि त्रिकालवर्ती किसको कहते हैं? त्रिकालवर्ती, तुम भविष्य के सिद्ध हो ऐसा जानकर गुरुदेव श्री तुमको प्रणाम करते थे। कौन को? तुमको, तुमको, इन इनको, इनको। एक द्रव में कितना माल है, अरे रे अनंत गुणों का पिंड तो देख, एक भी दुर्गुण नहीं हो तुम, राग देश करो, अरे रे ये मिथ्यात्व है। मेरा समझ में आया? द्रव समझ में आ गया? द्रव, अभी द्रव की परिभाषा चल रही है। एक बात फिर से कहता हूं, गुरुदेव श्री जब प्रवचन में कहे कि तमे तो जीव द्रव छो, ये बात सुनते से इतनी इमेज आ जानी चाहिए जितना आज सुना है आपने, तो आपने गुरुदेव को प्रवचन समझने की ताकत आ जाएगी। नहीं आया ख्याल में? अभी आपको मैं कहूं, सबको एक एक करोड़ रुपए का हीरा गिफ्ट में दिया जाएगा, तो ऐसा सुनते से क्या लगेगा, क्या लगेगा? हीरा एक एक करोड़ का, ये सुनते ही एकदम कुछ होता है, हैं? कुछ होता है? देखो बच्चे भी समझ जा रहे हैं, देखो एक करोड़ का हीरा मिलेगा, मजा आ जाएगा। तुम जीव द्रव्य हो, क्या मतलब इसका? तुम जीव द्रव्य हो, आनंद गुणों के पिंड, कितने गुण? सिद्धों के बराबर, सिद्धों में और हमें कोई अंतर नहीं है, बराबर। एक बात और अब याद आ रही, समय मैं कहना चाहता हूं, सुनो, बहुत मार्मिक बात है, बहुत मार्मिक। गुरुदेव श्री को सुनने के बाद 65 वर्षों में एक चमत्कार तो बहुत हो गया,
कि लोग भगवान आत्मा की चर्चा करने लगे। ध्यान से सुनना क्या कहना है मुझे, भगवान आत्मा की चर्चा करने लगे लेकिन भगवान आत्मा नहीं समझ पाए। चर्चा तो करने लगे भगवान आत्मा बद्धा भगवान आत्मा, लेकिन ध्यान से सुनना, यदि अपने को भगवान आत्मा देखा होता तो सम्यक दर्शन हो गया होता, और तीन लोक के सारे जीवों को भगवान आत्मा देखा होता तो चरणानुयोग हो गया होता, अपने को भगवान आत्मा देखा होता तो द्रव्यानुयोग हो जाता। अनुयोग अनुयोग के नाम मालूम है, क्या नाम है आपका है? नाम नाम जितेश जिनेश, अच्छा है जिग्नेश, अच्छा ठीक है समझ आया। चार अनुयोग के नाम मालूम है नहीं मालूम, मालूम है भावेश? चलो सभी लोगों को याद करा देता हूं, चार अनुयोग होते हैं। अनुयोग कितने होते हैं? क्योंकि बार बार चर्चा आएगी अनुयोग की, इसलिए एक बार बता देते हैं। अनुयोग कितने चार। कितने चार, चार क्या हैं? चार क्या हैं? अनुयोग। अनुयोग माने कहने का तरीका, अनुयोग माने कथन पद्धति, अनुयोग माने कहने की पद्धति। अभी देखो चार अनुयोग हैं, इसमें पहले का नाम द्रव्यानुयोग। क्या नाम है? क्या नाम है? पहला क्या है? द्रव्यानुयोग में द्रव्य को कहते हैं, अनुयोग माने कहने का तरीका और द्रव्य। तो छह द्रव्य की चर्चा आई, जीव द्रव्य की चर्चा आई, भगवान आत्मा की चर्चा आई, ये कौन से का विषय हो गया? द्रव्यानुयोग। सम्यक दर्शन हो गया कौन से अनुयोग के अनुसार हो गया? द्रव्यानुयोग के अनुसार, क्योंकि अपन ने द्रव्य दृष्टि की, सबको द्रव्य से देखा, तो कौन सा अनुयोग हुआ? द्रव्यानुयोग। बराबर, गड़बड़ तो नहीं होगी। छह द्रव्यों की चर्चा किसमें हुई? द्रव्यानुयोग। पहला नंबर काय का है? वेरी गुड। अभी अब दूसरा, दूसरा चरणानुयोग, दूसरा दूसरा चरणानुयोग माने आचरण की जिसमें बात आती है, आचरण सुधारने की बात आती है, उसका नाम क्या है? आचरण किसमें सुधारते हैं? चरणानुयोग में। चरणानुयोग में क्या सुधारते हैं? आचरण किसमें सुधारते हैं? चरणानुयोग में क्या सुधारते हैं? याद हो गया, पहला कौन सा था? द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग में कितने द्रव्यों की चर्चा थी? आठ की दस छह, छह द्रव्यों की चर्चा में जीव द्रव्य की चर्चा है कि नहीं है? जीव द्रव्य की चर्चा नक्की हो जाए, छह द्रव्य की चर्चा नक्की हो जाए तो मिथ्या दर्शन होए कि नहीं होए? होएगा कि नहीं होएगा? कि नहीं होगा तो क्या होगा? सम्यक दर्शन। बराबर, तो पहला कौन सा था? द्रव्यानुयोग। दूसरा, तीसरा करणानुयोग, तीसरा तीसरा करणानुयोग। करण कहते हैं परिणाम को, करण कहते हैं परिणाम को। तो जहां परिणाम कहे जाए, परिणाम परिणाम कहे जाए, उसका नाम करणानुयोग। बहुत सरल, जहां परिणाम और परिणाम का फल रिजल्ट, जैसे समझ लो कि तुम्हारी लापरवाही का परिणाम यह होगा कि तुम फेल हो जाओगे, तो लापरवाही और लापरवाही का फल, और तुम बहुत बढ़िया पढ़ते हो, इसका परिणाम यह होगा कि तुम पास हो। बराबर, तुम अच्छे से व्यापार करते हो तो तुम धनी हो जाओगे, तुम अच्छे से व्यापार नहीं करते हो तो, समझ गए? तो परिणाम और परिणाम का फल किसमें बताया? करणानुयोग में। काय में बताया? करणानुयोग। बराबर, पहला कौन सा था? दूसरा, तीसरा, आचरण की चर्चा किसमें आई थी और द्रव की चर्चा किसमें आई थी? करणानुयोग में, द्रव्यानुयोग। और करणानुयोग में क्या आई थी? परिणाम की चर्चा। बराबर, कठिन तो नहीं है। अभी चौथा है प्रथमानुयोग। चौथा क्या है? चौथा क्या है? प्रथमानुयोग माने जिसमें कहानी लिखी जाती है, कहानी। प्रथमानुयोग में कहानियां है ना, पांडव पुराण आदि आदि, आदि पुराण, महापुराण, ये कहानियां। बराबर, अब तो कठिन नहीं है, ध्यान से सुनना। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं, प्रथमानुयोग में निंदा और प्रशंसा की जाती है। क्या कहा? प्रथमानुयोग क्या किया जाता है? जैसे जैसे धिक्कार है रावण को, हाय हाय, अरे रे दुष्ट है वो रावण, ऐसे निंदा के साथ रावण की कहानी लिखी जाती है। और रामचंद्र जी की कहानियां, सीता जी की कहानी, धन है सीता, धन है अंजना के परिणाम, ऐसे। तो धन कहना ये प्रशंसा, और निंदा
निंदा कैसे हुई, अरे रे धिक्कार है, ऐसे समझ में आया। अभी ये चार अनियोग हो गए। अभी अपन द्रव की परिभाषा में चार अनियोग लगाते हैं। द्रव की परिभाषा में कितने अनियोग लगाएंगे, पूछ लें एक बार फिर से। पहला अनियोग कौन सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन को याद नहीं हुआ, हाथ तो खड़ा करो। हो गया सबको याद, चलो अच्छा। एक एक दिन में नई नई चीजें ऐसे सिखाते जाएंगे। अभी ध्यान से सुनना, मेरे में मैं जीव द्रव्य हूं, मेरे में अनंत गुण है, मैं सिद्धो समान पूज्य तत्व हूं। क्या बोला, पूज्य तत्व, आदरणीय तत्व। अरे रे, ऐसा ज्ञात होते से ही द्रव दृष्टि हुई, ये द्रव्यानियोग हो गया। अरे रे, मैं ही तो भगवान आत्मा नहीं हूं, ये सब भी तो भगवान आत्मा है। मेरे में अनंत गुण नहीं है, इन सब में भी अनंत गुण है, और मैं ही भावी सिद्ध नहीं हूं, ये सब भी कौन कौन, सभी जीव। ए प्रैक्टिकल करना घर जाकर, घर जाकर प्रैक्टिकल। अच्छा, तो ऐसा जानने पर एक भगवान दूसरे भगवान से झगड़ा करे, एक भगवान दूसरे भगवान पर मायाचारी करे, एक भगवान दूसरे भगवान से लोभ कसाय करे, कर सकते हैं, नहीं कर सकते? भगवान को धक्का दे सकते हो, धक्का धक्का नहीं दे सकते? तो अब ध्यान रखना, बगल वाले को ऐसे नहीं करना। ए समझना, ये बहुत मार्मिक। तो ये चरणानी योग, आचरण सुधर गया, क्या सुधर गया, अब अनछना पानी प्रयोग नहीं कर सकते, अब बिना देखे नहीं खा सकते। मुझे तो जैन दर्शन का चरणानी योग इतना अच्छा लगता है, इसके आचरण तो अच्छा है ही, लेकिन इसकी भाषा भी बहुत अच्छी है। हमारे यहां ये नहीं कहते हैं कि लौकी काटो दूधी काटो, काटो शब्द नहीं बोलते, संभारो, सोधो, सोधो, देखो, संभारो, संभारो, ये नहीं बोलते। दूधी काटो, नींबू काटो, काटो काटो कौन बोलता है पता है, मुर्गा काटो, बकरा काटो, हाँ जैनी लोग काटो नहीं बोलते। ये भाषा की विनम्रता, भाषा की हो। एक वो क्या बोलते हैं आप, उसको हमारे यहां तो कद्दू बोलते हैं उसको, आप क्या, वो क्या बोलते हैं, सीताफल बड़ा, क्या कोबड़ा, क्या जी, अब जो भी आप, मैं नहीं समझा। हाँ ऐसे बड़ा, ऐसे कद्दू जैसा, कद्दू बोलते हैं हमारे यहां। अभी इतना बड़ा, तो जैनी लोग बड़ा फल क्यों नहीं खाते, बोले ये बड़ा में जीव तो नहीं है, इतने बड़ी सब्जी में जीव तो नहीं है, लेकिन इसके लिए बड़ी बड़ा चाकू चाहिए, और फिर बनाते समय भी ऐसे करना पड़ता है। तो हमारे इतने कठोर परिणाम नहीं कि हम इतनी कड़काई से करें, ये नहीं कर, इतना परिणामों की कोमलता, ये अभी जीव नहीं है उसमें, तो भी इतनी करुणा, इतने परिणामों की करुणा। अभी ध्यान से सुनना, ऐसे परिणामों का फल क्या होगा, नरक में जाएंगे नहीं जाएंगे? तो ये परिणाम, परिणाम का फल, धन है जो जीव अपने को भगवान देखते हैं और सब जीवों को भगवान देखते हैं, धन है। कौन सा नियोग आया, प्रथमा नियोग, कौन सा नियोग आया? अरे रे, एक भगवान होकर के भी अपना भगवान पना भूल गए, और फिर सारे भगवान तत्व को सताते हैं, जीवों को सताते हैं, धिक्कार है ऐसे जैनियों की परिणति। ये कौन सा नियोग है, कौन सा नियोग है, प्रथमा नियोग, क्योंकि निंदा और प्रशंसा कायम आती है, प्रथमा नियोग। बराबर समझ में आया? अभी देख लेना आप, अभी तक आपको क्या लगता था कि चार अनियोग किताब में है, कहां थे, कहां थे, चार अनियोग किताबों में, मंदिरों में, ग्रंथों में। अब ये मालूम पड़ गया, ध्यान से सुनना, अब ये मालूम पड़ गया, प्रत्येक जीव के पास चार अनियोग हैं, नहीं है, है ना? तो अब ये चार अनियोग सुधारना है कि नहीं सुधारना, कब सुधरेंगे, फिर से सुनना, कब सुधरेंगे, जब द्रव्य की परिभाषा ख्याल में आए। द्रव्य में क्या कहना है, मैं जीव द्रव्य हूं, अनंत गुणों का पिंड, भगवान हूं, भावी सिद्ध हूं, ऐसा जानते ही अपनी महिमा आ गई, शरीर की महिमा छूट गई, पैसा की महिमा छूट गई, दुनियादारी की महिमा छूट गई, मैं तो भगवान हूं, ऐसी महिमा आते ही द्रव्यानियोग हो गया। ध्यान से सुनना, एक दृष्टांत दूं, क्यों तुमको रोजगार मिल गया कि नहीं मिल गया, नौकरी मिली कि नहीं मिली, विवेक नौकरी मिली कि नहीं मिली, क्या भी नहीं मिली, तो अच्छी पांच दस हजार रुपया महीने की नौकरी मिले तो करो कि नहीं करो,
10,000 पर मंथ नौकरी करो कि नहीं करो, मिल जाए तो? अरे दृष्टांत है, बोल दो करोगे तो ठीक है। म्यूनिसिपैलिटी की एक एड निकली अखबार में, न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट निकला कि मुंबई महानगर क्या है वो म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन, उसके लिए गटर साफ करने के लिए जमादार चाहिए 10,000 रुपए पर मंथ। हाँ भैया हाथ तो खड़ा करो, कौन कौन अप्लाई करेगा? 10,000 कैसे कहते हैं 10,000? लगाओगे कि नहीं लगाओगे एप्लीकेशन? अरे बोलो, नहीं नहीं सही सही बताओ, लगाओगे कि नहीं लगाओगे? कि साहब 10,000 का महत्व नहीं है बात, वो कार्य कौन सा है। तो मैं एक बात पूछता हूं, तो फिर क्या एप्लीकेशन नहीं आएंगी नगर पालिका में? नहीं आएंगी महानगर पालिका, क्या बोलते हैं आपके यहां जो भी हो कॉरपोरेशन, उसमें एप्लीकेशन आएगी कि नहीं आएगी? आएगी तो सही, लेकिन जैनों की एक भी नहीं आएगी। ध्यान से सुनना, जिसे अपने जैनत्व की गरिमा लगती है वो अप्लाई नहीं कर सकता, वो भूखा मर सकता है और काम कर सकता है लेकिन वहां अप्लाई नहीं करेगा। ये दृष्टांत, ऐसे ही जैन तो बहुत छोटी चीज है, हम तो तुम्हें भगवान कहते हैं, तुम भगवान हो। और ऐसा जानने के बाद दुराचरण, खोटा खानपान, गंदा आचरण व्यवहार कैसे कर सकते हैं? एक भगवान दूसरे भगवान को गालियां कैसे दे सकता है? सब आ गया, सब भगवान आत्मा का वेदन होते से चरणानी सुधर गया, आचरण सुधर गया, आचरण सुधर गया। अब मेरे को अपने प्रति भी अच्छा, आपके प्रति भी अच्छा, तो परिणाम भी सुधरा, परिणाम सुधरा तो उसका फल भी सुधरा। कौन सा नियोग? करना नियोग। और ऐसे जीवों की प्रशंसा कि साहब ये बालक बहुत अच्छा है। क्या नाम है? तामिस, धामिस, कामिस, जो भी ठीक। ध्यान सुनना, ये देखो ये लड़का बहुत अच्छा है, ये लड़का इसको गाली देता रहा 1 घंटे से, लेकिन शांति से बैठा है बिल्कुल, ये प्रशंसा करते कि नहीं करते? ये प्रथमान योग, धन है दिगंबर मुनिराज पारसना, इतना उपसर्ग होने पर भी, 3 दिन तक सर्प पड़े रहने पर भी धन है यशोधर मुनिराज। कौन सा नियोग? अब तुमको क्या बनना है, इसमें से क्या करना है? अरे 4 अनियोग, एक द्रव की परिभाषा जानने पर 4 अनियोग बराबर। आज की चर्चा में 4 अनियोग हो गए और 4 कषायों का अभाव हुआ, क्रोध मान माया लोभ। एक भगवान हम आपस में देखें एक दूसरे को, तो क्रोध मान माया लोभ कर सकते हैं क्या? ये पूरा जीवन सुधर गया, सम्यक दशम भी हो गया, मिथ्या चला गया, और कौन सा काम रह गया? और आप सही बताऊं तो आप ऐसे ही देखते रहो, आपका मोक्ष नहीं हो तो मेरी जिम्मेदारी है। क्या कह रहे हैं? आपको इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, आप तो इतना ही बस, इसके बाद यदि आप भगवान नहीं बनो तो मेरी जिम्मेदारी है। इतनी इतनी जोरदार परिभाषा है ये द्रव की। तो ये द्रव की परिभाषा अभी चला ही है अपन ने, अभी द्रव में और माल है, लेकिन अब गुण के आधार से निकालेंगे अपन। किसके आधार से निकालेंगे? गुण के आधार से। एक बात ध्यान से सुनना, सुबह जो बात कही थी अभी भी कही कि प्रत्येक द्रव में कितने गुण हैं? अनंत, कोई दुर्गुण नहीं है। अब जो राग द्वेष आदि की बात करते हो वो पर्याय की चर्चा है, जो 4 कषाय की चर्चा है वो पर्याय की चर्चा है, वो द्रव की चर्चा नहीं है। बता दूं क्या कहना चाहता हूं, हमने तुम्हें द्रव दृष्टि करने के लिए कहा है, लेकिन तुम द्रव दृष्टि के नाम पर भी, मैं तो रागी हूं, मैं तो देसी हूं, मेरे में तो बहुत कमियां हैं। फिर से तुम द्रव की परिभाषा के नाम पर पर्याय की परिभाषा क्यों याद करते हो? द्रव दृष्टि तेज सम्यक दर्शन करने के लिए द्रव दृष्टि करनी है ना तुम्हें, तो आपको गुणों पर्याय भूल जाओ भी। अभी तो आनंद गुणों का पिंड, एक भी दुर्गुण नहीं, ऐसा भगवान आत्मा देखो। गुरुदेव श्री को एक बहुत अच्छी बात कहते थे, उस भजन को कहकर अभी चर्चा पूरी करते हैं, भजन पूरा नहीं कहेंगे, एक लाइन, प्रभु मेरे तू सब बातों पूरा। कौन कौन से भगवान? कौन से भगवान? अरंत की सिद्ध, प्रभु मेरे तुम, प्रभु मेरे तू सब बातों पूरा, पूरा
असंख्यात प्रदेश जगमगे, नित्य उदित ज्यों सूरा, परिपूर्ण प्रभु हो निश्चय से, हूँ व्यवहार से पूरा, द्रव्य से पूरा, क्षेत्र से पूरा, काल भाव से पूरा। सब अपनी परिपूर्णता देखें इसी भावना के साथ विराम। ओम नमः।